बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से? रौफ़ अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो दोस्तों। जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत पर लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं सबसे पहले कोरोना वायरस के ही हवाले से। जैसे आप लोग जानते हैं कि न्यू कोरोना वायरस BA.7 मुतारफ़ हुआ दुनिया के अंदर, और उसके बाद हंगामी हालात जो है इस वक्त के मुताबिक जारी। तमाम ममालिक अपनी एहतियाती तदाबीर करें, तो भी इस हवाले से आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ की तरफ से भी स्टेटमेंट आई, और इसके मुताबिक तस्दीक की गई है कि कल से ये कानून लागू हो चुका है। 1 जनवरी 2023 से पाकिस्तान के लिए जो भी हजरात सफ़र करेंगे वो जब पाकिस्तान के मेजर एयरपोर्ट्स के ऊपर पहुंचेंगे, वहां पहुंचकर 2% के हिसाब से कोरोना वायरस का रैपिड टेस्ट आप लोगों का हो सकता है। जैसे कि पहले ये कानून लागू किया गया हिंदुस्तान हुकूमत की तरफ से कि वहां पे पहुंचने के बाद 2% यानी कि 100 में से 2 लोगों का वहाँ पहुँचने पर कोरोना वायरस का टेस्ट हो सकता है, किसी का भी कर सकते। तो ये रूल जो है पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ ने भी अपना है कि किसी का भी वहाँ पहुँचने के बाद रैपिड टेस्ट हो सकता है। मजीद कतर की तरफ से आप लोग देख सकते हैं, बताया जाता है जो भी चाइना से सफ़र करेगा कतर के लिए अब 48 घंटे पहले वो PCR टेस्ट करवाएगा। कतर हुकूमत की तरफ से भी PCR टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। मराको की तरफ से पहले ही बंदिश कर दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं अपनी तमाम जो ममालिक है वो एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस वबा को, इस वायरस को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे। पहले इतनी मुश्किल से जाकर तमाम चीज़ें पैनल पर आई हैं, अब ये गड़बड़ी होगी तो पता नहीं कहाँ पर जाकर रुकेगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ही खैर करेगा। ठीक हो गया, बात करते हैं कोई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से शॉपिंग बैग्स के हवाले से स्टेटमेंट शाया की। जैसे आप लोग जानते हैं कि तकरीबन 3-4 महीने कबल एक स्टेटमेंट आई थी कि इम्पोर्ट जो शॉपिंग बैग है वो बैन करते सल्तनत के अंदर। तो भाई इस हवाले से आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट आई 1 जनवरी से ये कानून भी लागू हो चुका है। सल्तनत के अंदर जितने भी इम्पोर्ट यानी कि जो बाहर से मंगवाते शॉपिंग बैग वो तमाम बैन है। अगर कोई भी इस तरह का काम करेगा बाहर से मंगवा कर जो कि सल्तनत के जो मेड है जो शॉपिंग बैग इस्तेमाल नहीं करेगा तो उनके ऊपर 1000 रियाल तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो चाहें तो यही कहेंगे कि जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको लाजमी फॉलो करें। ठीक हो गया, अब आप लोगों को एक खास खबर से आगाह करेंगे। आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट शाया की गई। इस स्टेटमेंट के मुताबिक ओमान के सुल्तान जलालत और सुल्तान हैतम बिन तारिक की तरफ से ये इकदाम हुआ, शाही ऑर्डर शाया हुए कि इंशाल्लाह अज़वजल दुफार के अंदर 2 इस तरह के डैम बनाए जाएंगे जो कि फ्लोड और नदी नाले वगैरह बहते हैं उनको कंट्रोल करेंगे। आप लोग देख सकते हैं तस्दीक की गई है कि 2 इस तरह के डैम्स बनेंगे जो कि दफार गुरमिट सलाला और इसके आसपास के इलाकों के अंदर, जो कि यहाँ पर समंदरी तूफान वगैरह खरीफ का पानी वगैरह इकट्ठा होता है, फ्लोड नदी नाले वगैरह बहते हैं उनके पानी को इकट्ठा करके ये डैम बनाए जाएंगे। तो ये मशल से बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है, इससे सल्तनत अपमान और भी ज़्यादा तरक्की करेगा। ठीक हो गया, अब बात करते हैं नेस्टो फ्रेश ऑफर्स के हवाले से। सब्जियों के ऊपर फलों के ऊपर ज़बरदस्त ऑफर लगी है 2 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक। इसमें क्या कुछ है जल्दी से देख ही लें मेरी स्क्रीन के ऊपर। स्ट्रॉबेरी का बक्स 290 पैसा, कीवी का कार्टन 590 पैसा, माल्टे का पूरा कार्टन 1.90 रुपया, सर्बिया का सेब 490 पैसा पर केजी, बंद गोभी 145 पैसा पर केजी, गाजर मौजूद है 390 पैसा पर केजी, करेले मौजूद है 340 पैसा पर केजी, मोगरे मौजूद है 345 पैसा पर केजी। तो शॉपिंग करें नेस्टो के साथ साथ ओकत ब्रांड सलाला के अंदर ये ऑफर लगी हुई। अब आप लोग को एक खास खबर से आगाह करेंगे, और ये खास खबर है एयर इंडिया के एक पायलट के हवाले से। वीडियो ही देखने साथ में पाएगा। नमस्कार श्रीमती और श्रीमान, विमान कक्ष से आप सभी के लिए है पैगाम। आज की उड़ान के लिए स्पाइसजेट ने भेजे हैं 2 विद्वान, जिनमें से मैं पोएटिक पायलट आपका कप्तान और दूसरा निलेश मेरा सह कप्तान। स्वागत है आप सभी का स्पाइस जेट में एज अ मेहमान। अब जिम्मेदारी हमारी, करना आपका सम्मान। अगर ऊंचाई की बात करें तो होगा 32,000 फीट का मुकाम, क्योंकि अगर और ऊपर गए तो शायद दिख सकते हैं भगवान। आज 850 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ेगा ये विमान, और सर्दी बहुत होगी बाहर, 0 से 47 डिग्री कम होगा तापमान। अगर मौसम खराब हो तो बांध कुर्सी। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का अंदाज अपनाया एयर इंडिया एक्सप्रेस के इस पायलट ने, पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर ये दिखाया गया, पाकिस्तानी और इंडियंस की तरफ से बहुत ज्यादा सराहाया गया, और वाकई में इसका अंदाज हमें भी बहुत ज्यादा भाया। तो इस चाहें तो हम इस पायलट के लिए नेक तमन्नाओं के ख्वाहिशमंद है फ्यूचर में इंशाल्लाह। तो यही तमाम इस वक्त की अपडेट्स है। रौफ़ अज़ीम को दीजिए इजाजत, हंसते बसते रहे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।